नमस्कार, मैं हूं अमृत एनिमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि कर्नाटक से है। चुनाव की मतगणना कुछ ही देर में शुरू होगी। 10 मई को सभी 224 सीटों पर मतदान हुआ था। 224 सीटों पर 2614 उम्मीदवार मैदान में। इस बार कुल वोटिंग 73.19% हुई। 2018 के चुनाव से 1% ज्यादा वोटिंग हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 72.36% वोटिंग हुई थी। इस बार सीनियर सिटीजन ने घर से वोट डाला है। दिव्यांगजनों, दिव्यांगों की अगर बात की जाए तो घर से वोट डाला है। राज्य में कुल मतदाता 2.59 करोड़ महिला मतदाता है। 16,976 वोटर्स ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं। 4,699 थर्ड जेंडर के मतदाता है। 9.17 लाख नए मतदाता, 5,55,000 विकलांग मतदाता। 224 सीटों में से 36 आदिवासी के लिए आरक्षित है, 15 दलित समुदाय के लिए आरक्षित। भाजपा ने 450 से ज्यादा रैलियां की हैं इस बार चुनाव में। तो देखिए किस तरह से भाजपा ने इस बार दमखम के साथ रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां की गई है। कर्नाटक चुनाव की मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। 10 मई को सभी 224 सीटों पर मतदान हुआ था। चलिए इस पूरी चुनाव को समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से मतगणना हुए थे, किस तरह से रैलियां हुई, आज मतगणना है और आज जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कर्नाटक चुनाव का आज कुछ ही देर में जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगा। भाजपा ने इस बार ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, 450 से ज्यादा रैलियां की हैं। ऐसे में क्या कुछ समीकरण नजर आ रहे हैं? चुनाव हो चुके हैं, मतगणना का दिन है, जनता की राय हम देख चुके हैं, एग्जिट पोल्स के नतीजे भी हम देख चुके हैं। ऐसे में आप क्या कुछ अपनी नजर से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अमृता, कर्नाटक के चुनावी इतिहास की, 1989 के बाद लगभग 5 दशक में कोई भी सरकार वहाँ कभी रिपीट नहीं हुई है दोबारा। यानी जिस भी दल की वहाँ सरकार रही है, अगले दल में वो सरकार रिपीट हुई नहीं। पिछली बार भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली थी। इसके बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, जेडीएस और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए और बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया। येदुरप्पा, बीएस येदुरप्पा, जो कि दक्षिण भारत में सबसे बड़े बीजेपी के नेता माने जाते हैं, लिंगायत, जो कि 17% निर्णायक वोट हुए कर्नाटक के, उनके इकलौते सबसे बड़े नेता, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन असंतोष की खबरों के बाद उनको हटाने के बाद बासवराव बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी लिंगायत समाज से आते हैं और येदुरप्पा ने उनका नाम सुझाया था। लेकिन येदुरप्पा कोई करिश्मा दिखा पाते, उसके पहले वो आरोपों में घिर गए और उसके बाद बासवराज के साथ भी यही रहा। कांग्रेस ने पूरे कैंपेन कर्नाटक के स्थानीय मुद्दों के साथ शुरुआत की और ये साबित करने की कोशिश की कि जो बासवराज सरकार है ये 40% कमीशन की सरकार है, इसलिए इनको 40% वोटों पर ही रोकना होगा। स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी लगातार घिरती जा रही थी, लेकिन अचानक जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें की एक लाइन ने पूरे कर्नाटक के चुनाव की दिशा बदल दी। दरअसल उन्होंने उसमें कहा, वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बजरंग दल पर बैन करेंगे। वहां इसी मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम सारे भाजपा के जो स्टार कैंपेनर थे कर्नाटक के, उन्होंने हाथों लपका और बजरंग दल के बैन को उन्होंने सीधे सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी रैलियों की इसके बाद शुरुआत की तो पहले बजरंग बली की जय के साथ उसका नारा लगवाते थे और बीजेपी को लग रहा था, तो बीजेपी जो एक समय लग रहा था कि पूरे चुनाव में बुरी तरह हार रही है,
वो एकाएक पोलराइजेशन हुआ और अभी जो जिस हिसाब से वोटिंग हुई है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं तो उसमें लगभग लगभग ये कहा तो जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है और एकाधे पोल में ये भी कहा गया है कि कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। ऐसे में जेडीएस पर सबकी निगाह है क्योंकि जेडीएस कभी भी पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है और एक आध बार जरूर रहा है कि 48-50 सीटें उन्होंने जीती है। पिछली बार भी तो जब कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने या बीजेपी के साथ भी जो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास इतनी सीटें नहीं थी, लेकिन चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं था ना बीजेपी के पास ना कांग्रेस के पास तो मजबूरी में उनको सीएम बनाया गया था। कांग्रेस की जो इच्छा है वो यही रही है कि उसको किसी भी तरह जो बहुमत का आंकड़ा है 224 सदस्य विधानसभा में 113 का उसको किसी तरह अकेले अपने दम पर क्रॉस कर ले। बीजेपी की कोशिश भी यही है कि अगर या तो उनको बहुमत नहीं मिलता तो या तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है या कम से कम पार्टी की जो सीटें हैं वो 3 अंकों में आ जाए, ऐसे में वो जेडीएस से बात करके सरकार बना सकते हैं। लेकिन अब मतदाताओं ने क्या जनादेश दिया ये किसी को नहीं पता। आपसे कुछ देर बाद जब बैलेट जब ईवीएम से जब डाटा शुरू हो जाएगा काउंटिंग तब पता लग जाएगा, क्योंकि अभी सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती शुरू होगी और उससे एक रुझान शुरुआती पता लगता है कि आखिर चुनाव की ये जो मतगणना है वो किस दिशा में जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ हमने देखा है कि एग्जिट पोल के नतीजे सटीक नहीं निकले। और कर्नाटक की हम जहां तक बात करें एक दिलचस्प चीज और है, वहां बीजेपी को कभी भी कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर नहीं मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बीजेपी की 2% ज्यादा वोट मिले थे, बीजेपी के 36% वोट थे और कांग्रेस को 38% वोट। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर रही थी और कांग्रेस 80 के आसपास सिमट कर रह गई थी। यही हाल हमने इसके बाद लोकसभा में देखा था कि बीजेपी ने वहां पे प्रधान लोकसभा की सीटों अच्छी खासी जीत हासिल की थी और कांग्रेस और जेडीएस को मुंह की खाना पड़ी थी। तो एक जो पैटर्न है वो ये बताता है कर्नाटक के पिछले 200-300 चुनाव का, लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, कि वहां का वोटर देश के तमाम हिस्सों की तरह है विधानसभा चुनाव में अलग तरह से वोटिंग करता है और लोकसभा चुनाव में उसका वोटिंग का तरीका अलग होता है। कर्नाटक के जहां पर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने नेताओं ने वोटरों को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्रीज के तहत बड़े बड़े वादे किए गए, किसी ने कहा सिलेंडर फ्री देंगे तो किसी ने कहा कि जो वहां का जो स्थानीय कर्नाटक सरकार का दूध ब्रांड है अमूल की तरह नंदिनी, गरीबों को आधा लीटर प्रतिदिन दूध दिया जाएगा। इसके साथ ही सोशल सेक्टर की कई सारी स्कीम्स की वहां घोषणा की गई थी। लेकिन अब से कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा कि वोटर आखिर गया किसके साथ है, क्या उसने फिर से बीजेपी को भरोसा जताया है और अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये सीधा सीधा मान के चला जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है और अगर सरकार नहीं बनती है सबसे बड़ा दल बनता है या बीजेपी की जितनी भी सीटें आती है तो ये मानकर चलिए कि उसमें से 30-40 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिली है, वरना स्थानीय नेतृत्व में कोई करिश्मा बीजेपी का कर्नाटक में नहीं दिखा पाया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कर्नाटक का चुनाव से जुड़ी तो देखिए किस तरह से पूरे देश में जहां भगवान राम को लेकर राजनीति देखने को मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर हनुमान भगवान की एंट्री कर दी और इसे लेकर सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में भगवान हनुमान को लेकर सियासत शुरू हो गई और आज मतगणना है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो एग्जिट पोल्स के नतीजे बताए जा रहे हैं वो साबित होते हैं सही या फिर जो बयान जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो को लेकर उसे लेकर जो सियासत देखने को मिली क्या वो इस बार के चुनाव के नतीजे पलट सकता है। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है और नतीजे भी काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। तो कुछ ही देर का समय है, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी होगी बीजेपी कांग्रेस में से जो इस बार सत्ता में काबिज होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 450 से ज्यादा रैलियां की है, दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया गया है।